अब हम बात करेंगे एक अलग सब्जेक्ट और बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, साइबर क्राइम प्रिवेंशन। आप साइबर क्राइम के बारे में जो हमारे एक्सपर्ट है मुंबई से जुड़े हैं, ये भी शैलेश केडिया जी मुंबई से जुड़े, वडोदरा से सीए बादल कनौजिया जुड़े, और अब हमारे पास बड़े ही महत्वपूर्ण स्पीकर अनुभवी स्पीकर है सीए भरत देसाई जी, जो एक्सपर्ट है डिजिटल टेक्नोलॉजी के। तो भरत जी आपका स्वागत है, वेलकम टू मिस्टर भरत। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून सर, गो अहेड सर। नमस्कार रमेश जी, सुनील जी एंड हरिराम चौधरी जी। अनफॉर्चुनेटली मेरा साउंड कार्ड लैपटॉप का बंद हो गया है, तो मैंने एक जुगाड़ किया है। वेरी गुड, मैं लैपटॉप जैसे जुगाड़ में एक्सपर्ट होते हैं सर, इंडियन भारतीय होते हैं हम, जुगाड़ में एक्सपर्ट होते हैं। स्वदेशी को बढ़ावा दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री, गोइट सर। जुगाड़ियों के साथ पाला पड़ा है तो वो खुद जुगाड़िया हो गए। यू हैव टू थिंक लाइक अ क्रिमिनल इफ यू वांट टू कैच क्रिमिनल, राइट भरत भाई? यस सर, यस सर, यस सर, एग्जैक्टली यार, वेरी गुड सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये अभी जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का जो इश्यू आ रहा है, साउंड ऑडियो वीडियो एक साथ में 200 लोग जुड़े हैं, फिर भी हम एक लॉकडाउन में एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, तो यही फ्यूचर है और हमें इससे इवोल्यूशन स्टेज में से पास होना पड़ेगा। तो पहले तो हम साइबर क्राइम के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि क्या हो रहा है। पहले हम लोग जो वी आर लिविंग इन अ इंफॉर्मेशन एज, और एक इतना इंफॉर्मेशन हो गया है कि हम उसको बोल सकते हैं कि देर इज इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो। तो हम लोग एक इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो के स्टेज पे आ गए हैं, जहाँ पे इतना इंफॉर्मेशन है कि मुझे कुछ ढूंढना है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और गूगल पे कुछ भी आप सर्च कीजिए तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, इतना सब आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे कौन सा इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है। फेक न्यूज आ रहे हैं उसमें भी पता नहीं चल रहा है। तो ये जो और भी बढ़ेगा एज वी गो अलॉन्ग, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, फिर आपके जो फ्रिज है, टीवी है, गीजर है, एसी है, सब रिमोटली आपके चलते हैं, वाईफाई पे चलने लगे हैं। तो ये है ब्राइट साइड ऑफ द स्टोरी, लेकिन हम लोग डार्क साइड ऑफ द स्टोरी भी हम लोग देखते हैं आज, और उसको हम देखेंगे कि जो क्राइम होने लगे हैं वो एनोनिमस क्राइम होने लगे हैं। हमको बहुत डिफिकल्ट होता है कि कहाँ से वो क्राइम हो रहा है, क्राइम करने वाला बंदा इंडिया में बैठा है या कहीं वर्ल्ड के बाहर कहीं भी किधर भी बैठा हुआ है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एनोनिमस क्राइम होते हैं, दे यूज डिफरेंट मोड्स, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो प्रॉक्सी सर्वर यूज करना, पता नहीं चलता है कि कौन से ईमेल आईडी का मेल आ रहा है वगैरह। तो यहाँ पे एनोनिमस हो गया एक, तो फिर बाउंड्रीज खत्म हो गई हमारी, देर आर नो बाउंड्रीज और नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंफॉर्मेशन एक्सेस। तो और हमारा जो डिपेंडेंसी है टेक्नोलॉजी पे वो बहुत ही बढ़ गया है, और इनके लिए क्राइम वाले के लिए बहुत सिंपल हो गया है कि आपको अभी ऐसा नहीं होगा फ्यूचर में, या अभी भी हो रहा है कि आपको पहले जो टिपिकल क्राइम्स होते थे कि घर में आके आपको रिवॉल्वर दिखाते थे या चाकू मारते थे या ऐसा कुछ बता, अभी तो सिर्फ आपका अकाउंट हैक हो गया तो आपके जितने भी एसेट्स है जो डीमैट फॉर्म में है या आपके जो डिजिटल एसेट्स है वो सब साफ हो जाएंगे। जैसे प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स आपके रखते हैं, आपके शेयर्स है, आपके एफडी है, आपका बैंक है, तो ये सब तुरंत चोरी हो सकता है। चोर को आपके पास आने की जरूरत नहीं है, वो कहीं भी बैठ के किधर भी बैठ के क्राइम कर सकता है, तो और वो डेटा भी मिसयूज कर सकता है। तो अभी हम क्राइम्स, डिफरेंट क्राइम्स के बारे में बोलूंगा मैं, और मैं अगर गवर्नमेंट के यहाँ पे लोग सुनने वाले हैं, जैसे एसेंशियल सर्विसेज में आपका इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन वगैरह आ जाता है, तो मैं गवर्नमेंट को भी गुजारिश करूंगा कि इंटरनेट ऑल्सो विल बिकम एसेंशियल सर्विसेज, अभी आगे जाके इट विल बिकम एसेंशियल सर्विसेज। और अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में तो आप देखो स्मार्टफोन यूजर्स जो 2019 में 50 करोड़ के प्लस माइनस थे, अभी वो 60 करोड़ हो गए हैं, और अपना जो एवरेज स्क्रीन टाइम होता है जो नॉर्मली आप लोग का पहले आधा घंटा था, अभी वो 3 घंटा 3.5 घंटे के ऊपर चला गया है एवरेज स्क्रीन टाइम। और एवरेज इंडियन इज स्पेंडिंग 1800 आवर्स अ ईयर ऑन हिज स्मार्टफोन, 118 घंटा। और ये सब होने की वजह से साइबर क्राइम को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे स्मार्टफोन आते जाएंगे सब लोग यूज करने लगेंगे,
पूरा इंडिया तो मुश्किल हो जाएगा कि दो साल में कवर हो, क्योंकि अपने बहुत से फार्मर्स लोग हैं जहाँ पे हम पहुंच नहीं सकते, बट मेजोरिटी ऑफ द क्राउड विल बी कवर्ड थ्रू इंटरनेट के माध्यम से। और साइबर क्राइम पेटी थेप्स होते हैं आजकल, बड़े थेप्स होते हैं वो रिपोर्ट होते हैं और आपको पता भी चलता है, बट कंपनी की कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से वो पेपर में नहीं आते हैं, क्योंकि उनका रेपुटेशन डैमेज हो जाता है। छोटे छोटे क्राइम होने शुरू हो गए और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 2000 में एग्जैक्ट डेट बताऊं तो आपको, 17 अक्टूबर 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उसको बाकायदा पास किया गया था। आज अभी 2000 से लेके हम 2020 में है, 20 साल में क्राइम रेट 1000 times मल्टीप्लाई हो गया है। उस टाइम पे पता भी नहीं था कि कहाँ पे कंप्लेन करे, कैसे करे, कैसे जाए पुलिस के पास, साइबर सेल्स भी नहीं थे। अभी हर एक पुलिस स्टेशन में साइबर सेल आ गया है और उसके लिए प्रोविजन भी किया गया है हर एक टाइप के क्राइम्स के बारे में। तो हम अभी नेक्स्ट जो लेते हैं वो है हम लोग साइबर क्राइम के बारे में बात करेंगे। तो साइबर डिफेमेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका अकाउंट की डिटेल्स लेके आपको डिफेम किया जाता है और फिर आपसे रैनसम मांगा जाता है। आपने देखा होगा बहुत लोगों को मेल आता है और हम लोग उस पर क्लिक कर देते हैं बिना जाने, या फिर अगर कोई दोस्त ने भी भेजा है तो पता नहीं चलता है कि वो जेन्युइन सोर्स से आ रहा है कि नहीं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम करने वाले जो होते हैं वो ईमेल को मास्क करके भेजते हैं और उसको हम हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज में स्पूफिंग बोलते हैं, जो नीचे वाला जो आपका ये टॉप ये है ईमेल स्पूफिंग। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि यू मे ट्रस्ट योर फ्रेंड बट यू कैन नॉट, यू कैन नो लॉन्गर ट्रस्ट हिज ईमेल्स। अपने ईमेल को हैक करने के बाद जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो अपने जितने भी ईमेल आईडी, फ्रेंड्स का लिस्ट होता है, कस्टमर्स का लिस्ट होता है, उनको मेल भेजना शुरू कर देते हैं और ऐसा लगता है कि हमको एक मेल आया है, भरत देसाई समझो है एग्जाम्पल, तो उसका मेल आया है तो मुझे देखना चाहिए। और आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर सिस्टम में वो एक छोटा सा फाइल आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है बैकग्राउंड में, जो आपको पता नहीं चलता, और उसके बाद उसमें एक्टिविटी शुरू हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल आपको दूं कि की लॉगर्स हम लोग जो बोलते हैं, अगर मान लो कि मैंने की लॉगर किसी में इंस्टॉल कर दिया तो वो बंदा जो भी की लॉगिंग करता है, जो भी बटन दबाता है, वो मुझे रिमोटली कहीं भी बैठ के मैं उसको देख सकता हूँ। जैसे वो बैंक साइट पे जाता है तो मुझे पता चलता है कि वो बैंक में गया, उसने पासवर्ड डाला, उसका यूजर आईडी क्या है और वो कौन सा की दबा रहा है, और उसका डेटा भी मेरे पास है, पूरा मशीन मेरे पास रिमोटली कंट्रोल है, उसको पता नहीं चलता, और की लोगों को ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सब बाद में साइबर बुलिंग के लिए यूज होता है, साइबर स्टॉकिंग के लिए यूज होता है। स्टॉकिंग माने इट्स लाइक यू नो फॉलोइंग समबडी, वो कहाँ पे जाता है, क्या करता है और उसका बिजनेसेस में क्या हो रहा है, तो सब उस पर जानकारी मिलती जाती है। और बाद में वो इधर आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर का हो सकता है या क्राइम हो, क्रिमिनल हो सकता है या कोई भी हो सकता है, तो वो इंफॉर्मेशन आपकी यूज कर लेता है। तो जैसे अभी इसकी बात करते हैं, डेटा ऑल्टरेशन या डेटा डिडलिंग। डेटा डिडलिंग यानी छोटे छोटे ऑल्टरेशन करते हैं बैंक डेटा में, जैसे आपकी एग्जाम की मार्कशीट हो वो चेंज हो जाती है और आपको पता नहीं चलता है, मीन्स जिसको क्राइम करना है वो मार्कशीट बना के अपने कस्टमर जिससे पैसा मिलता है उसको भेज देता है। और बहुत से यूनिवर्सिटीज के डेटा हैक हो जाते हैं, बैंक के डेटा हैक हो जाते हैं, तो उसमें ये डेटा रिडलिंग का प्रयोग किया जाता है। और एक डॉस और डीडॉस अटैक्स हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। जैसे मान लो कि आपका ईमेल अकाउंट मेरे पास है और मुझे पता है कि आपका बिजनेस बहुत जोर से अच्छा चल रहा है या मेरे कंपटीशन है आपका, तो हैकर जो होता है वो क्या करता है, आपका मशीन इतने मेल से भर देता है कि आपका मशीन या सर्वर आपका क्रैश हो जाता है।
और डीडॉस यानी डिनाइल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक्स, यानी सब जगह से अटैक होता है, जैसे आपका मोबाइल फोन हो, आपके सब नंबर उनके पास रहते हैं और सभी जगह से आपको बिजनेस करने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो ईमेल बॉम्बिंग भी उसी तरह का हुआ, एक बॉम्ब जैसे हम कंटिन्यूस भेजते रहते हैं आपको और आपका मशीन पूरा क्रैश हो जाता है। तो अभी हम दूसरी बातें करते हैं, सलामी अटैक, जैसे छोटे छोटे स्लाइस ऑफ अ मीट, स्लाइस ऑफ अ मीट उसको हम सलामी बोलते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्राइम्स होते हैं वो, जैसे आपका पेरोल हो, सैलरी हो, आपका सैलरी 10,075 रुपया है और उसको राउंड करके 10,000 आपके अकाउंट में जमा हो जाता है और 0.75 पैसा उसके जो क्राइम करने वाला है उसके अकाउंट में जमा हो जाता है। तो ऐसे अगर 10,000 कस्टमर है तो उसको हर महीने का 2-5,000 का इनकम एक्स्ट्रा हो जाता है। और ये हम छोटी सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट ये बड़े क्राइम में आप देखेंगे तो बहुत से बड़े राउंडिंग के जो चोरियां होती है उसको सलामी अटैक बोलते हैं। छोटी चोरी जो होती है वो पकड़ में नहीं आती है और बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये छोटे छोटे अटैक्स हमारे सिस्टम में हो गए हैं। सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स, ड्रग्स, ऑनलाइन गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी, ये सब भी साइबर क्राइम में गिना जाता है। पोर्नोग्राफी जो होता है उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है इट इज बैंड अक्रॉस द वर्ल्ड, कई देशों में उनको बैन किया है। पोर्नोग्राफी देखना क्राइम नहीं है, बट अगर आप उसको ट्रांसमिट करते हो या किसी को भेजते हो तो इट इज अ क्राइम अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और अभी तो पोर्नोग्राफी के में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी बहुत से प्रावधान आ गए हैं, तो वो भी अभी बंद हो गया है। और ऑनलाइन गैम्बलिंग लोग करते हैं वो सब, हमारे बिजनेस की बातें हैं वो हम अभी ज्यादा करेंगे, तो आई विल नॉट कवर दोज इन डिटेल। अभी हम आते हैं वेब डिफेसमेंट या वेब जैकिंग, जैसे हम प्लेन को हाईजेक कर लेते हैं, ऐसे आपका वेबसाइट हो बिजनेस का उसको हाईजेक कर लेते हैं। वो आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट काफी होती है, उसको हैक हो जाता है। आप सोचो खाली कि अगर अगर नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज NSE उसको हैक हो गया, ओके, और अपने जो जितने भी शेयर्स हैं उनका अकाउंट हैक हो गया तो क्या हो सकता है? जस्ट इमेजिन, पूरा शेयर बाजार NSE BSE 23 एक्सचेंजेस है, उसमें दो बड़े मेजर एक्सचेंजेस है, उसका पूरा डीमैट अकाउंट होके डिजिटल फॉर्म में अपने वैल्यू सबकी पड़ी हुई है, अगर वो हैक हो जाता है तो क्या हो सकता है? यू कांट इवन इमेजिन। अभी हम बात करते हैं फिशिंग अटैक की, जो रेगुलर होता है उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। आपको मान लो आपने कि आपको किसी ने SMS भेजा कि पेटीएम आपका अकाउंट है उसमें KYC अपडेटेड नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि वो पेटीएम से आया है या स्टेट बैंक से आया है या कोटक बैंक से आया या HDFC बैंक से आया। कृपया आपने ऑडियो म्यूट रखें, जितने पार्टिसिपेट हैं अवेयर करें। हेलो, मैं कर दे, गो अहेड सर, मैं करता हूं ऑडियो। अच्छा, ओके। हाँ, तो हम ज्यादातर फिशिंग अटैक्स बहुत होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको जो अटैक होता है आप पे, उसमें आपके मोबाइल नंबर जो होते हैं वो पहले तो उनके पास होते हैं, शायद उन्होंने मोबाइल कंपनी से ले लिए, चोरी किए वहां से या उन्होंने खरीद लिए, उसका एक पूरा एक डार्क वेब होता है, उनको हम डार्क वेब बोलते हैं, वहां से उनको डेटा मिल जाता है। फिर आपको एक साथ में मास SMS आता है और आपको SMS में एक पेटीएम करके आता है, समझो। तो PAYTM पेटीएम का ऑफिशियल अकाउंट है और PAY-TM ऐसा आएगा तो आपको लगेगा, नॉर्मल बंदे को, नॉर्मल यूजर को पता नहीं चलता कि ये पेटीएम से ओरिजिनली आया है या पेटीएम का कोई दूसरा फिशिंग अटैक है। ऐसा ही आपको एक ईमेल आएगा तो आपको उसमें लिखा जाएगा कि आपका एड्रेस और ये सब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के हिसाब से आपको KYC अपडेट करना है, तो आप अगर आप 15 दिन में नहीं करोगे तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, ऐसे मेल आते हैं। तो उसमें आप जब भी वो लिंक को क्लिक करते हो और आप बैठते हो आराम से और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के अपडेटेड ऐसा आ जाता है आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक मैसेज आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज अपडेटेड। फिर 2 दिन के बाद आपको पता चलता है कि आपका बैंक अकाउंट साफ हो गया। तो इसमें बहुत जरूरी है कि आपको बहुत अवेयर होना चाहिए कि मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि उसके टिप्स कैसे, वो बताऊंगा। हम लोग अभी क्राइम डिस्कस कर रहे हैं कैसे हो रहा है। तो
और ये जो नेक्स्ट जो है वो माइल भाई तो भरत जी, आपका वॉल्यूम नहीं आ रहा है। सुनील जी, भरत जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। भरत जी रिप्लाई करें, या इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है, या आप एरर हुए या डिस्कनेक्ट हुए। भरत जी आपका लगता है ऑडियो डिस्कनेक्ट हुए। भरत जी डिस्कनेक्ट हुए। हाँ यस तो लग रहा है मेरे। भरत देसाई जी कनेक्ट हुए। कृपया आपने ऑडियो म्यूट रखे। ऑडियो आ रहा आप सभी लोगों का? दोस्तों ऑडियो म्यूट रखे। हाँ भरत हेलो, देसाई जी करिए ना। आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा भरत जी। हाँ जी वो गोइट सर, आपका शायद एरर हुआ, डिस्कनेक्ट हुआ होगा। गोइट सर। हाँ हाँ ओके ओके। हाँ तो गोइट मैं फिशिंग अटैक के बारे में बोल रहा था, बिल्कुल और बिल्कुल। उसके बाद में मैं टिप्स दूंगा कैसे अपने को प्रिवेंट करना है। हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्राइम के बारे में बात करते हैं। वो है मेलवेयर अटैक्स। जैसे मैं बता रहा था कि मुझे एक 10 दिन पहले एक मेल आया था, और मेल में ऐसा था कि आप 3,000 क्रिप्टो करेंसीज हमारे अकाउंट में जमा कीजिए, नहीं तो हम आपको डिफेम कर देंगे। तो मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने वो मेल खाली पढ़ा, और वो भी मैंने मोबाइल पे पढ़ा, उसको मैंने कुछ नहीं किया, और उसको मैंने सिर्फ जंक मेल में डाल दिया, और वो भरत देसाई जी, भरत देसाई जी का शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है। मेलवेयर अटैक्स में ट्रोजन्स, वॉर्म्स और की लॉगर्स। भरत जी, भरत जी आपसे आपसे रिक्वेस्ट है, अभी ऑडियो ऑफ करेंगे ना आप अपना, तो मुझे लग रहा है आपका ऑडियो वीडियो ऑफ करेंगे, वीडियो ऑफ करेंगे तो ऑडियो प्रॉपर आएगा सर। यस अभी सर आ रहा गोइट है? सर, बिल्कुल आ रहा सर, गोइट सर। ओके ओके थैंक यू। ओके यस सर। हाँ तो की लॉगर्स के बारे में बताया मैंने कि वो आपके जितने भी अकाउंट है वो आपका जो क्रिमिनल है उसको पता चलता है। वॉर्म्स एक ऐसा है जो जैसे कोरोना वायरस सर के वो जैसा है, जंक वो मेल वाला मल्टी। नहीं आया सर, आपने जंक मेल बोला वो आवाज नहीं आई, वो वहां से रिपीट करिए प्लीज। अच्छा फिशिंग अटैक के बारे में। जंक, हाँ जंक मेल आपने जो जंक में डाला हाँ सर, हाँ आपका तो एग्जांपल दे वो जो दिया मेल सर। आया वो मैंने मेरे पास मोबाइल में भी मैंने उसको सिंक करके रखा है, मेरे जितने भी ईमेल आईडीज है, तो मैं मेरे लैपटॉप पे उसको क्लिक नहीं करता हूँ। मैं मोबाइल में मुझे नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें मुझे एक व्यू आता है, उसमें दिख पता चल जाता है कि ये काम का मेल है या नहीं है, तो उसमें मैं राइट क्लिक करते उसको ब्लॉक कर देता हूँ। उस तरह का मेल जहाँ पे मुझे बहुत बार लॉटरी लगी है, बहुत से विल में मेरा नाम आ गया है कि आपको 10 लाख मिलियन डॉलर लगे हैं, वो कुछ ऐसा किसी को आज तक किसी को मिला नहीं है। तो मैं बताऊंगा कैसे स्टॉप किया जाए उसको। आगे हम बात करते हैं, पहले साइबर क्राइम को खत्म करते हैं, किस तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं अभी। सबसे ज्यादा जो हो रहे हैं वो ट्रोजन्स होते हैं, जो आपके रिमोटली आपके एक्सेस कर देते हैं। जैसे आपने एनी डेस्क यूज किया, या आपने अभी जूम भी यूज किया, जूम के बारे में भी काफी लोग बोलते हैं। अभी उन लोगों ने इंक्रिप्शन बढ़ा दिया है, बट ये वॉर्म्स और की लॉगर्स बहुत डेंजरस चीज है। सबसे ज्यादा डेंजरस है वॉर्म्स और की लॉगर। वॉर्म्स कोरोना वायरस के जैसा है, वो मल्टीप्लाई होता है। आपके अगर सिस्टम में कंपनी में 10 मशीन है, तो वो एक मशीन से सर्वर पे जाके बाकी के 10 मशीन को भी, 9 मशीन को इन्फेक्ट कर देता है। तो इसके लिए क्या करना है वो हम आगे बात करते हैं। तो मेरा एक सिंपल फॉर्मूला है कि क्या 5 P's है जो हम यूज करना चाहते हैं या करना चाहिए। वो है प्रिकॉशन, हमको ध्यान रखना है, प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है अपने सिस्टम्स को, अपने डेटा को, और प्रिजर्व करना है। वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। और परसिवियरेंस, ये आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी में अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि जो सीनियर सिटीजन है, जो स्टाफ पे निर्भर थे, उनको अभी सीखना पड़ रहा है सब।
जूम मीटिंग हो या गूगल मीट हो या बहुत सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स यूज करने के लिए उनको सीखना पड़ता है। और अभी जरूरी है, ये टाइम है कि अगर आप अभी नहीं सीखोगे तो बिजनेस में से भी आपको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि एवरीथिंग इन द नेक्स्ट 5 years 10 years मे बी आई थिंक विल बी कम्प्लीटली डिजिटल। बहुत कुछ डिजिटल हो गया है। हमने कभी सोचा नहीं था कि NSE का जो शेयर मार्केट है पूरा डिजिटल हो जाएगा, फिजिकल वर्ल्ड में से हम लोग ने कभी नहीं सोचा था। या LIC की पॉलिसी डिजिटल हो जाएगी, हमने कभी नहीं सोचा था। इंश्योरेंस की पॉलिसी, मेडिक्लेम की डिजिटल हो जाएगी, हमने कभी नहीं सोचा था। तो और ये लॉकडाउन के बाद अभी हम लोग ये मीटिंग वर्चुअल कर रहे हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि एक साथ में 200 लोग बैठ के मीटिंग करेंगे। तो ये फ्यूचर में ऐसे ही होगा, जैसे 5G आ जाएगा तभी इसका इस्तेमाल ज्यादा होगा और वर्चुअल मीटिंग्स होने लगेगी, जहाँ पे हम अभी जो दिख रहा है जैसे थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ रही वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये 5P आप नोट करके रखिए और इसको फॉलो कीजिए रिलीजियसली। अभी हम आते हैं पासवर्ड मैनेजमेंट पे। जो सबसे बड़ी चीज है वो पासवर्ड मैनेजमेंट की है, जहाँ पे आपका पासवर्ड क्या होता है कि ईज ऑफ यूज हम लोग बोलते हैं, इजी ऑपरेशन के लिए हम लोग 1 2 3 4 5 6 करते हैं, या पासवर्ड 1 2 3 करते हैं, या भरत देसाई 1 2 3 कर देते हैं। ऐसा पासवर्ड रखने से सामने वाले को इमीडिएटली पता चल जाता है, उसको ज्यादा सॉफ्टवेयर लगाना नहीं पड़ता है। पासवर्ड क्रैकर्स करके सॉफ्टवेयर आते हैं, वो आपके सिस्टम में रन करते हैं की लॉगर के बाद, और बाकी दूसरे भी सिस्टम होते हैं उसको भी वो क्रैक कर लेते हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, वो सबसे बड़ी बात है, और उसमें भी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। उसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर जैसे स्टार हो, हैश हो, क्वेश्चन मार्क हो, वो आपको करना है। और आप वही पासवर्ड सब जगह यूज मत कीजिए, आपको तकलीफ होगी। मैं मानता हूँ कि इतने सब बैंक में, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, पेटीएम में मैंने सब जगह भी पासवर्ड रखा है, तो एक ही पासवर्ड रखूँ मेरे लिए इजी हो जाएगा। बट वो प्रॉब्लम है, आपके लिए इजी हो जाता है बट हैकर के लिए बहुत सिंपल हो जाता है। वो सेम पासवर्ड यूज करके आपका बर्थ डेट आपको पता है तो बर्थ डेट और उसका नेम का कॉम्बिनेशन करके पासवर्ड आपका यूज करके बना के वो कर लेगा। तो ऐसे पासवर्ड बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर आते हैं जो हैकर यूज करता है, और उसके बाद वो एक साथ में 10-15 हज़ार कॉम्बिनेशन बना के आपके सिस्टम को हैक करते जाता है, यानी वो अंदर डालते जाता है। तो अभी तो अच्छा है कि बैंक में 2-फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आ गया है, जैसे आपका मोबाइल हो और आपके ईमेल आईडी हो, वहां पे आपको एक मैसेज भी आता है और एक आपको SMS भी आता है, तो आपको पता चलता है कि मैंने ये एक्टिवेट किया था। कोई भी ट्रांजेक्शन हो, थर्ड पार्टी ट्रांसफर हो, तो आपको ऑथेंटिकेशन में पता चल जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर मान लो कि आपका मोबाइल भी हैक हो गया, तो इट मीन्स वो सिम कार्ड को क्लोन हो गया तो खत्म हो गया। वो उसके पास SMS आएगा, वो थर्ड पार्टी ट्रांसफर कर लेगा और आपका बैंक अकाउंट या आपके ट्रांजेक्शन सब वो कर सकता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका डिफरेंट साइट पे डिफरेंट पासवर्ड यूज कीजिए। फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉमन फ्रेजेस जो मैंने बताया अभी, वो मत यूज कीजिए। फिर आपको सबसे बड़ा वो भी एक प्रॉब्लम है कि हम लोग वो पासवर्ड रीयूज करते हैं, बिकॉज हमको आसानी चाहिए, इजी चाहिए, हमको घड़ी घड़ी इसको पासवर्ड बनाना है। इसके लिए काफी बैंक्स ने अभी 3 महीने के बाद ऑटोमेटिक पासवर्ड चेंज के लिए ऑप्शन बना दिया है, पर 3 महीना भी बहुत ज्यादा है। मैं तो मानता हूँ कि हर एक 15 दिन में या महीने के अंदर आपको पासवर्ड चेंज करना जरूरी है। और हमेशा 2-फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन होना चाहिए। जैसे स्टेट बैंक में कैसा है कि आप अगर पेमेंट करोगे तो मेकर चेकर है वहाँ पे, आपने एक ट्रांजेक्शन ऑथोराइज किया, डिमांड ड्राफ्ट के लिए एप्लीकेशन किया या चेक बनाया, तो वो दूसरे के पास जाता है और वो लॉग इन करता है और आपको वो ऑथेंटिकेट करता है, तभी वो थर्ड पार्टी ट्रांसफर होता है। तो 2-फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन भी इतना ही जरूरी है। अभी हम आगे और बढ़ते हैं तो हम जनरली क्या होता है, ये रैनसम का जो फोन आता है, एकदम अच्छे प्यारे से आवाज में फोन आता है कि सर हम ये फलानी फोन कंपनी से बात कर रहे हैं और आपका ये अकाउंट ऐसा हो गया है तो हमको KYC अपडेट करना है या फलाना ढिकना आपको बोलेंगे, और आप घाई में रहते हैं क्योंकि अभी क्या हो रहा है, सभी लोग इतने बिजी है कि उनको पता नहीं चलता है कि किसी को नंबर दे दिया उन्होंने, तो घाई घाई में इनएडवर्टेंटली आपने किसी को पासवर्ड दे दिया, OTP दे दिया और क्रेडिट कार्ड का CVV भी दे दिया, जो क्रेडिट कार्ड के पीछे 3 डिजिट का नंबर होता है CVV, तो आपका क्रेडिट कार्ड मिस यूज हो सकता है। बाद में आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट में से कितने पैसे साफ हो गए। और पासवर्ड स्टोर करने के लिए आप क्वेश्चंस बना सकते हो, और उसके लिए सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो पासवर्ड मैनेजमेंट के लिए आप वो यूज कर सकते हो। 2-फैक्टर की मैंने बातें की आपको,
फिर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ कि बिजनेस वाले स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमईज वो सब क्या करते हैं कि उनका जो कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है उसमें सॉफ्टवेयर कॉस्ट होता ही नहीं है। वो लोग ज्यादातर अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उसमें वायरस होने का या अटैक होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो मैं एक सबसे गुजारिश ये करूंगा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट हो या एप्पल हो, जो भी हो, आपके पास सॉफ्टवेयर है वो सब आप ऑफिशियली लीजिए। आपका जितने भी सॉफ्टवेयर है आपके पास, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वो सब आपको ऑफिशियल लेना है। हाँ, खर्चा हो जाएगा बट इट विल बी सेफर फॉर यू। फिर आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी खरीदने हैं और आपके सिस्टम में रेगुलरली रन करने हैं, आपको स्कैन करना है, फायरवॉल्स लगाने हैं। अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है तो आप किसी आईटी कंपनी को ये आउटसोर्स भी कर सकते हो कि मेरा ये सिस्टम चेक कर ले। आपके पास 5-6 मशीन है तो आप आईटी वाले को आउटसोर्स कर सकते हो। अगर बड़ा कंपनी है तो आप आईटी के टीम को ये बता सकते हो और आपकी टीम सब ये मैनेज कर पाएगी। तो और हम लोग ज्यादातर ये फ्रॉड जो छोटे छोटे होते हैं उसमें हम लोग सिक्योर्ड वेबसाइट पे जाके ही शॉपिंग करें। और सिक्योरिटी के लिए क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे वेबसाइट होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल, तो स्टेट बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.com या hdfcbank.com, लेकिन आगे जो लिखा रहता है वो https होता है, यानी हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, और उसमें SSL का सिक्योरिटी होता है, सिक्योर्ड लेयर, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर 2 का जो प्रोविजन है उसमें होता है। तो हम ऐसे वेबसाइट पे ना जाएं जहां पे https आगे लिखा ना हो। फिर हम बातें करते हैं आपका बैकअप। मेरा अभी मैं आपको एक मेरा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे पास एक एंड्रॉइड फोन है और एक दूसरा एंड्रॉइड फोन भी है जो मेरा प्राइवेट है। मैंने 2 फोन रखे हैं। अगर मेरा फोन घेतला ना तो मी मीटिंग च्या बाहेर पडते। हेलो, हाँ, मेरे पास 2 फोन है। तो मैंने क्या किया है कि मेरा फोन में मैंने जीमेल अकाउंट खोला है, दूसरे फोन में भी वही जीमेल अकाउंट रखा हुआ है और उसमें मैंने सिंक करके रखा है। तो जो भी नंबर मैं यहाँ पे मेरे मोबाइल फोन ए में स्टोर करता हूँ और जो भी मेल मेरे पास आती है ए में, वो बी में भी आती है, बी मोबाइल फोन में भी आती है। अगर मान लो कि मेरा मोबाइल फोन क्रैश हो गया, टूट गया या बंद हो गया या चोरी हो गया, तो मैं उसको पहले लॉक कर देता हूँ एंड्रॉयड फोन को, और दूसरा वाला है जो है वो मैं यूज कर लेता हूँ। तो मेरा फोन का मेरे को कभी इतना टेंशन नहीं होता है कि मेरा फोन गया, अभी मेरे पास 5,000 नंबर मुझे डालने हैं इंडिविजुअली हाथ से, वो मुश्किल है। फिर व्हाट्सएप के बारे में बात करेंगे, तो व्हाट्सएप का जो मेरा इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ में होता है वो मैं शेयर करता हूँ ईमेल से और मेरे पास में स्टोर कर लेता हूँ। तो व्हाट्सएप चैट होता है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और एक्सपोर्ट करने के बाद ईमेल में आपका रजिस्टर्ड ईमेल जो भी होगा वहाँ पे आप ईमेल में भेज सकते हो। उसका भी लिमिटेशन है बट आप वो कर सकते हो, तो दैट इज अनदर सिक्योरिटी। तो आपको अगर आपका व्हाट्सएप में डेटा नहीं है तो आप उसको ईमेल के माध्यम से अपने दूसरे लोकेशन पे आप सेव कर सकते हो। अभी आई बैकअप की बातें, तो हम लोग बैकअप जो करते हैं वो कोई 2 महीने में 2 महीने में 6 महीने में करते हैं। हम लोग एज अ बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग की जो बात होती है उसमें एक रेगुलर प्रोसेस होता है। अगर आपके ट्रांजेक्शन ज्यादा है और आपको लगता है कि मुझे बैकअप फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको हमेशा एक रेगुलर बैकअप डिफरेंट साइट पे या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट या डिफरेंट डिवाइस पे करना जरूरी हो जाता है, आपका जितना भी क्लाइंट का डेटा है उसको, और उसको भी देखना है कि वो चल रहा है कि नहीं। आपने बैकअप तो ले लिया लेकिन आप वो बाद में देखते नहीं है कि चल रहा है कि नहीं, तो वो भी एक जरूरी है। फिर आता है आपके जितने भी अकाउंट्स है, सोशल सिक्योरिटी अकाउंट्स और ये सब जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, उसमें हम प्राइवेसी सेटिंग्स कभी चेक नहीं करते हैं, अलाउ कर देते हैं। सॉफ्टवेयर जो आते हैं वो हम इंस्टॉल करते हैं और उसमें भी हम अलाउ करते हैं टू चेक योर मैसेजेस, अलाउ टू चेक योर कॉन्टैक्ट्स, वो सब करते हैं। तो इट डिपेंड्स कहाँ से कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और किसको हम एक्सेस दे रहे हैं। तो मैंने जो 10 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था कि देर इज नथिंग पर्सनल, देर इज नो प्राइवेसी,
भले हम बोलते हैं कि प्राइवेसी है, प्राइवेसी सेटिंग है, लेकिन आपको सोशल मीडिया से जो आपको देना है सोशल मीडिया में, उतना ही आपको इन्फॉर्मेशन पोस्ट करना है। मेरा ये एक रिकमेंडेशन है, आप कुछ भी पोस्ट करिए, हर एक चीज पोस्ट करते हैं। मैंने कभी 3 साल पहले एक रॉबरी का केस हो गया था, जहाँ पे एक पूरा फैमिली पूरा पोस्ट कर रहा है, मॉरिशियस में हम लोग हॉलीडे कर रहे हैं, वी आर ऑल इंजॉइंग, हमारा पूरा फैमिली हॉलीडे में है एंड एक वीक के लिए हम लोग मजा करेंगे। तो जो स्टॉकिंग कर रहा था उसको पता था, वो जब वापस आए घर में हॉलीडे करके, बहुत अच्छा मूड था, और जब दरवाजा खोला तभी पता चला कुछ नहीं था घर में। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप सोशल मीडिया पे या ईमेल से या कहीं भी आप जो भी डालते हो वो आपका नहीं है, इतना समझ लीजिए, मैं ऐसा बोलता हूँ। आपने जो भी फोटो पोस्ट किया वो आपका नहीं होता है, वो बाद में क्लाउड पे चला जाता है, या गूगल हो या फेसबुक हो या कोई भी सोशल वेबसाइट हो, वो आपका, आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी है बट वो उनके पास चला जाता है। तो आपको ध्यान से जो भी पोस्ट करना है वो करिए। फिर आता है ये स्पैम के बारे में, हमने बताया पॉपअप एडवर्टाइजमेंट, जो आप जब वेबसाइट क्लिक करते हैं तो ये आती रहती है। नॉर्मली क्या करती है कंपनियां, जैसे गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है, वो आपको मेल भेजती रहती है, या आप कोई वेबसाइट में सर्फिंग करते हो तभी उनको पता चलता है कि वो आप क्या क्या देख रहे हो, उसके हिसाब से आपको एड आती है, उसको वेब क्रॉलर्स बोलते हैं, वो आपके पीछे बैकग्राउंड में काम करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपको मैसेज आते रहता है, या आप कोई म्यूजिक सिस्टम देख रहे हो तो आपका वही ऐड आएगी, या कार देख रहे हो ऑनलाइन तो आपकी कार को ऐड आती रहेगी। तो ये सब ऐड में कभी कभी वायरस वाले भी मेल आ जाते हैं या पॉपअप्स आ जाते हैं, तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। आपकी कैशे मेमोरी है और वो इंटरनेट हिस्ट्री है, उसको रेगुलरली क्लीन करना है। अभी ऐसा है कि अगर मुझे यहाँ पे उठ के जाना है और ब्रेक लेना है तो जनरली क्या करता हूँ कि मैं पानी पी के वापस आ जाता हूँ, लेकिन जो 5 मिनट होती है ब्रेक की उसमें मेरा मशीन कोई यूज कर सकता है। इसके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि आपको स्क्रीन लॉक करना है और बाद में जाना है, कोई भी दूसरा एम्प्लॉई या आपका कोई साथीदार या कोई भी जो आपका मशीन को देख रहा है वो आपका मशीन ना देखे। आपकी सिस्टम्स जो भी होती है उसको भी आपको अपग्रेड करते रहना चाहिए ताकि आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलती रहे। और अभी IMEI नंबर का हरिराम चौधरी जी का एक क्वेश्चन था मेरे लिए कि आप कैसे उसको देख सकते हो। तो IMEI नंबर है, ये 15 डिजिट का एक कोड होता है GSM में, जो ग्लोबल सिम ऑपरेटर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने बनाया हुआ है। आपको अगर आपका IMEI नंबर चेक करना है तो आप ये *#06# दबा के आप देख सकते हो कि मेरा नंबर क्या है, आईफोन हो या एंड्रॉयड फोन हो आप देख सकते हो। उसके बाद आपको वो नंबर स्टोर करके रखना है कहीं साइड में लिख के, अगर आपका फोन गुम हो जाता है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो, पुलिस को आप बता सकते हो कि मेरा ये IMEI नंबर है, और पुलिस उसको ट्रैकिंग में डालती है। उनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स और मोबाइल ट्रैकर्स होते हैं जो अपने आम इंसान आम लोगों के पास नहीं होते, तो वो लोग IMEI नंबर से आपका फोन ढूंढ सकते हैं। अगर दो सिम कार्ड होते हैं, कोई आजकल तो अभी सिम कार्ड ड्यूअल सिम कार्ड वाले फोन आ गए तो उसमें 2 IMEI नंबर्स होते हैं, और मशीन के लिए मैक आईडी होता है, जो अपना लैपटॉप होता है उसमें मशीन आईडी बोलते हैं हम लोग, ऐसा ही मोबाइल के लिए IMEI नंबर होता है। तो अगर मान लो कि आपका मोबाइल फोन गुम हो गया है और आपका अकाउंट जीमेल के साथ में लिंक है तो आप गूगल में जाके डैशबोर्ड में जा सकते हो, अगर आपका आईफोन है तो आप आईट्यून में जाके सर्च फॉर डिवाइसेस कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि आपके जितने भी आपने मोबाइल फोन यूज किए हैं वो अकाउंट से आपको सब दिखेंगे, आपको गूगल डैशबोर्ड में दिखेंगे और आईट्यून में भी आपको दिखेंगे, और आपने कहाँ पे यूज किया, कितना यूज किया, सब उसका स्टैटिस्टिक्स वहाँ पे स्टोर किया जाता है। और बाकी के सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखेगा, फाइंड लॉस्ट फोन, फाइंड माई डिवाइस, सीक एंड्रॉयड वगैरह वगैरह। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है कि आप IMEI नंबर आपको पता होना चाहिए। बस अभी मेरा ये यहाँ पे खत्म होता है, आई हैव एक्सीडेड माय टाइम, सॉरी फॉर दैट, बट अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हो। बिल्कुल सर, आपका क्वेश्चन जो चैट बॉक्स में आप देखे, इनवाइट करूंगा मैं भरत देसाई जी को। भरत देसाई जी, चैट बॉक्स में आपके लिए 2-3 क्वेश्चन है, तो कृपया उनका आंसर देते हुए इस कॉन्फ्रेंस को समापन करेंगे आगे जाके। यस सर,
मेरा आवाज आ रहा है अभी? यस सर, आवाज आ रहा सर। ओके, हाँ मुझे हितेश वोरा ने एक क्वेश्चन किया है कि आपका मोबाइल फोन कैसे हैक हो गया हमको पता चले। यस, मोबाइल फोन कैसे हैक है या नहीं है वो। जब भी आपकी मोबाइल फोन में आपकी बैटरी फास्ट खत्म हो जाए नंबर वन, तो आपको पता चलेगा जो आपका नॉर्मल जो होता है यूजेज, क्योंकि आप जब भी यूज नहीं करते हो तो कोई दूसरा यूज कर रहा है, तो वो एक है। दूसरा, अनयूजुअल एक्टिविटी आपके फोन में होने लगे तो आपको पता चलेगा। और आपको ये देखना है कि आपके मशीन में या मोबाइल में हैंड हेल्ड डिवाइस में आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला है कि नहीं है। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप अच्छे कंपनीज के जो आते हैं वो आप इंस्टॉल कीजिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसे हैक हुआ है कि नहीं वो बहुत डिफिकल्ट है पता चलेगा जब भी आपकी एक्टिविटी अनयूजुअल हो। अभी दूसरा क्वेश्चन है जुमना कागल वाला का कि आपको बैंक में अब जाते हैं तो मोबाइल फोन साथ में लेके जाना है नहीं जाना है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर हैकर ने आपका सिस्टम हैक करना है तो कहीं भी कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल फोन एक्टिवेट हो गया और उसने हैक किया है तो कहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बैंक में जाएंगे तभी हो जाएगा। मैं अभी जो अभी क्या हालत है, जो करंट टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, उसमें मैं एक ही बताना चाहता हूँ कि आपका टीवी, आपका एसी, ये सब आपको सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? म्यूजिक सिस्टम भी सुन रहा है। कैसे? जैसे मैं बताता हूँ, एलेक्स है, एलेक्सा आपके बहुत से लोगों ने घर में लगाया हुआ है, वो लगाया हुआ है। फिर आपके माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कोर्टाना करके है, वो लगाया हुआ है, एक्टिवेट किया हुआ है। तो अभी भी कुछ बोलते हो, अभी मैं बोल रहा हूँ जूम में, मेरा व्यक्ति भी सुन रहा है, मेरा कि मैं ध्यान होना चाहिए, अवेयरनेस जो मैंने पहले 5.5P में बताया, तो आपको उसको म्यूट कर देना है या बंद कर देना है, तभी आप जो आपको कोई पर्सनल एक्टिविटी करनी है वो आप कर सकते हो। नहीं तो आप जो भी कुछ कर रहे हो वो सब इंटरनेट पे जा रहा है, क्योंकि घर में भी मोस्ट ऑफ द घर में बॉम्बे में शहरों में वाईफाई आ चुका है, तो वाईफाई की वजह से सब लोग घर में कनेक्ट कर देते हैं और सुविधा मिल जाती है कि मेरा एसी रिमोट से चलेगा, वाईफाई से चलेगा, मेरा म्यूजिक सिस्टम वाईफाई से चलेगा। लेकिन आप जो भी कुछ करते हो उनको पता रहता है, आपके प्रेफरेंसेस टेस्ट और 5000 डेटा पॉइंट्स जो आपके होते हैं उसके हिसाब से फिर आपको एडवर्टाइजमेंट से बॉम्बार्डिंग होती है या फिर आपके साथ में क्राइम हो सकता है। तो आप खाली सिर्फ सावचेत रहिए। थैंक यू। थैंक यू भरत देसाई जी, सीए भरत देसाई, एक्सपर्ट हैं टेक्नोलॉजी। और आज का देखा आपने कितना ही इंफॉर्मेटिव हमारा सब्जेक्ट था, और हमने कोशिश की है दोस्तों कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एज ए स्पीकर, की नोट स्पीकर बुलाकर ज्यादा से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को लेकर ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दें। ये फेसबुक पर लाइव चल रहा है और फेसबुक पे भरत देसाई जी बड़े अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं और पार्टिसिपेट जितने हैं हमारे जुड़े हुए बहुत अच्छा कमेंट्स कर रहे हैं आपके लिए। थैंक यू, बिल्कुल धन्यवाद भरत देसाई जी। मैं आगे बढ़ता हूँ। मिलन मेहता जी, निश्चित ही आपका जो कमेंट है, आपका जो सुझाव है, विरोधार विवान वेलकम। हैप्पी बर्थडे हरिराम जी। हरिराम जी, आपको सभी तरफ से बधाई मिल रही है। थैंक यू सभी को, थैंक यू। और भरत देसाई जी और सेलो गैरेज की तरफ से भी मैं सबको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सुनील जी। भरत देसाई जी, हैप्पी बर्थडे, धन्यवाद आपका। आपको धन्यवाद, थैंक यू। अपना लास्ट में यही कहूंगा दोस्तों कि थैंक यू सो मच, थैंक यू। जिस तरह से हमने ये संकट के समय में, इस कोरोना काल के संकट के समय भी हम कहीं ना कहीं चेहरों पे स्माइल दे रहे हैं, खुशियां दे रहे हैं दोस्तों, वो बर्थडे के रूप में हो या आपकी जीवन में जो अमूल जानकारी है, अद्भुत जानकारी है, वो साइबर क्राइम से रिलेटेड हो या आपकी आत्मनिर्भर भारत के जो स्कीम है, एमएसएमई, वो काम कर रहा है उस बारे में हो,
तो हमारा यही है कि आप इस प्लेटफॉर्म पर अहम जानकारी लेकर आए, क्योंकि हमने ये ठाना है कि कोरोना को हराना है और भारत को जिताना है। इस तरह की उम्मीद करते हुए दोस्तों, आज आपका दोस्त और होस्ट इसी लाइन से इस कार्यक्रम का आज की समापन करेगा कि शकील आजमी साहब, प्रसिद्ध शायर हुए साहब, उनकी बड़ी अच्छी लाइन है, जोशपूर्ण लाइन है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। आपने मान लिया तो आपकी हार हो गई। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और आपने, हमने और हरिराम चौधरी जी जैसे जज्बा है, 75 साल की उम्र में भी ऐसा सोशल वर्क करते हैं, सभी को इस तरह की जज्बा दे हमें, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए। और हम सब ने ठाना है कि कोरोना को हराना है और भारत जीतेगा, मुंबई जीतेगा। शैलेश गेड़िया जी, हैप्पी बर्थडे शैलेश जी, धन्यवाद। ऑडियो ऑन कीजिए सर। सर आपका हैप्पी बर्थडे मना लिया हमने, धन्यवाद आपको। सभी पार्टिसिपेट का, सभी दोस्तों का आज इस कॉन्फ्रेंस में मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, आभार मानता हूँ। हमारे जो खास तौर पर खास आभार हमारे हरिराम चौधरी जी जायंट का, और हमारे जो स्पीकर हैं शैलेश घेड़िया जी, बड़े अच्छे एक्सपर्ट अनुभवी हैं बिजनेस इंडस्ट्री के, और सरकार में भी कहीं ना कहीं सुझाव देते हैं। तो शैलेश घेड़िया जी के भी आगे अगले सब्जेक्ट में हम मिलेंगे, कुछ नए विषय पर बात करेंगे। भरत देसाई जी जो एक्सपर्ट है, उनसे भी नए विषय पर हम अगली बार, अगले हफ्ते या कभी भी हम रखेंगे उनको, नए विषय और नए सब्जेक्ट के साथ में। दोस्तों सीए बादल युवा हैं, युवा एक्सपर्ट है हमारे साथ में स्पीकर, तो उनको भी एक नए विषय पर हम मिलेंगे। दोस्तों आज इस कॉन्फ्रेंस में हमने कोशिश की दोस्तों कि गागर में सागर भरें और ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दें। तो तमाम फेसबुक पर जितने लोग जुड़े मेरे सीए रमेश प्रभु जी के, ये लिंक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं इस इन्फॉर्मेशन को। दोस्तों एक ये दस्तावेज है, एक इन्फॉर्मेशन है जो ज्यादातर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और लोग इसका फायदा उठाएं, लोग इसको एडवांटेज लें इस संकट के समय में। दोस्तों ये नॉलेज शेयरिंग का बड़ा प्लेटफॉर्म है, एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस और महासेवा का एक ज्वाइंट वेंचर है। दोस्तों आप इसको प्रोत्साहित करिए और आप इसके साथ में जुड़िए। दोस्तों ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म हम उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आप इसको प्रतिसाद दीजिए, हमारे महासेवा के वॉलंटियर बनिए, और काफी सारे हम कार्यक्रम इस तरह के सामाजिक कर रहे हैं संकट काल में। दोस्तों आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा इस समय इजाजत चाहता, आज के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। मिलेंगे कल नए विषय नए सब्जेक्ट के साथ। आज हमारे मुंबई में एक ऐसा नाम है, जायंट्स का तो है सही, हरिराम चौधरी। हरिराम चौधरी जी की उम्र देख सकते हैं आप, 75 साल हो गई है, और ये आरटीआई के बड़े फेमस क्या बोलते हैं, सिपाही हैं, सोल्जर हैं। दोस्तों इनका मानना है कि जब तक आपकी आरटीआई इंफॉर्मेशन लोग सरकारी डिपार्टमेंट दे दी नहीं, जब तक नहीं देते हम आपके साथ, इस तरह का जज्बा है। और हर महीने के फोर्थ सैटरडे को जायंट्स और महासेवा दोनों मिलकर फ्री लेक्चर रखते हैं ये हरिराम चौधरी जी, और ये इनका दोस्तों प्लेटिनियम जुबली हुआ, 75 साल पूरे हुए 22 मई को इनका बर्थडे था, और 75 साल पूरे हुए और इतनी उम्र में भी अपना लगे जज्बा देख सकते हैं। और भरत देसाई जी आपके हमारे साथ जुड़े हुए, भरत देसाई जी आपने सुना साइबर, इनका बर्थडे गया 5 मई को, और शैलेश घेड़िया जी का भी 25 अप्रैल को दोस्तों। तो ये जितने हमारी हस्तियां हैं और तमाम आप जितने पार्टिसिपेट जुड़े, इनका यदि आपका बर्थडे, तो मैं यही कहना चाहूंगा, और एक गुड़िया है उसके केसियो पे एक छोटा सा गाना हम सुनेंगे। पहले मैं इनके सभी बर्थडे पर क्या विश है आपको बता दूं मैं, कि फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, तारों ने गगन से सलाम भेजा है, तारों ने गगन से सलाम भेजा है, खुशियां भरी हो जिंदगी आप सबकी, खुशियां भरी हो जिंदगी आप सबकी, तहे दिल से हमने ये पैगाम भेजा है, तहे दिल से हमने ये पैगाम भेजा है। मेरा यानी सुनील शर्मा का यह पैगाम है, महासेवा का, एमएनएस का, तमाम जितने पार्टिसिपेट है फेसबुक पे, जितने लोग देख रहे हैं, तमाम इस तरह का पैगाम है। हरिराम चौधरी जी और तमाम हमारे भरत देसाई जी, शैलेश जी, आप दीर्घायु हो, आपकी उम्र दीर्घायु हो, और इस तरह से समाज का, सोसाइटी का आप भला करते रहिए।